गर्मियों के ख़त्म होते ही सर्दियाँ आरंभ होती हैं। ऐसे में जो पौधे गर्मियों में अच्छे से ग्रो होते हैं, सर्दियों में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। इनकी ग्रोथ में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सर्दियों में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो हेलो एंड नमस्ते गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्लोरा नर्चर के एक और सेगमेंट में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गर्मियों में ग्रो होने वाला कैलेडियम का प्लांट, जिसे हम ट्यूबर के थ्रू ग्रो करते हैं, उसके ट्यूबर को नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे सेव कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कैलेडियम का प्लांट जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्यूबर से ग्रो होता है, सर्दियों में भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर कम होने के कारण जो भी हमारा पौधा है डोरमेसिम चला जाता है और जो कैलेडियम के ट्यूबर हैं बस यहीं बच जाते हैं। तो गाइस, ऐसे में जो भी हमारे ट्यूबर हैं ये मिट्टी के अंदर रहें और उसी में अगर बारिश हो गई या फिर ओवर वाटरिंग हो गई तो ट्यूबर जो है ये गल सकता है। तो गाइस, ऐसे में सही रहता है कि जो हमारे ट्यूबर हैं हम इन्हें ऑफ सीजन में सेव कर लें और फिर से नेक्स्ट सीजन में जब प्लांट का सीज़न आए तब हम इसे ग्रो कर सकें। तो गाइस, काफ़ी बढ़िया होता है कि जो हम कैलेडियम के ट्यूबर को सेव कर लेते हैं। अगर आप कैलेडियम के ट्यूबर सेव नहीं करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जिस पॉट में कैलेडियम का प्लांट लगा हुआ है उसे बस एज इट इज रख देना है। डोरमेसी में पौधा अपने आप चला जाएगा और जो भी हमारे इसके ऊपर वाले शूट्स हैं ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। ट्यूबर आपके नीचे सेव रहेंगे, बस आपको पानी का उसमें ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप उसमें फंगीसाइड ऐड कर दीजिएगा ताकि बाद में अगर उसमें कोई फंगस हो तो जो भी हमारे ट्यूबर है ये प्रोटेक्टेड रह सके। नया सीज़न आने पर जब भी प्लांट के ग्रो होने का सीज़न आएगा उसमें से नई शूट्स अपने आप निकल जाएंगी और पत्तियां अपने आप डेवलप हो जाएंगी। सो गाइस, अब बात करते हैं कि अगर हमें कैलेडियम के ट्यूबर सेव करने हो, अगर आपको कैलेडियम के ट्यूबर सेव करने हो विंटर के स्टार्टिंग में या फिर विंटर सीज़न में, जब भी पत्तियां छोटी पड़ने लगें या फिर पीली पड़ने लगें, ये टाइम बेस्ट होता है कैलेडियम के ट्यूबर सेव करने का। जो भी हमारे प्लांट हैं उनके ट्यूबर काफ़ी अच्छे से मैच्योर हो गए रहते हैं और ऐसे में जो हमारा प्लांट है ये डोरमेसी में जाने के लिए तैयार रहता है। ये बेस्ट टाइम होता है कि हम उसके ट्यूबर सेव कर सकते हैं। ट्यूबर सेव करने से पहले ध्यान रखें कि जिस कंटेनर में भी आपने अपने प्लांट लगाए हों उसमें पहले से मॉइस्चर होना ज़रूरी है। मॉइस्चर होने से जो भी हमारा ट्यूबर है ये काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। अगर मिट्टी पूरी तरह से ड्राई है देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए निकालने से पहले सबसे पहले तो मिट्टी में आप मॉइस्चर बना के दें, उसके बाद आप अपने जो भी ट्यूबर हैं उन्हें सेव कर सकते हैं। कोशिश रखिए कि जो भी आपका रूट बॉल हो, प्लांट का रूट बॉल हो, ये पूरी तरह से बाहर निकल जाए। ऐसा करने से जो भी हमारे प्लांट के ट्यूबर होंगे काफ़ी अच्छे तरह से ये बाहर निकल जाएंगे और जो भी आपके ट्यूबर होंगे इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूट बॉल निकालते समय आप ध्यान रखें कि जो भी मिट्टी है ये नीचे से आप तोड़ना स्टार्ट करें। रूट टूट जाए आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो भी ट्यूबर है उनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रूट बॉल निकालने के बाद जो भी आपकी मिट्टी है उसे आपको नीचे से हटाना है, ऊपर से कभी मिट्टी ना हटाएं। ऊपर की तरफ पर ट्यूबर होते हैं इसलिए ऊपर से अगर मिट्टी आप हटाते हैं, टूल्स की मदद से हटाते हैं या फिर हाथों से, तो ट्यूबर टूटने का डर हो सकता है या फिर उनके कटने का डर हो सकता है, इसलिए मिट्टी नीचे से हटाएं और ट्यूबर को आप रूट से अलग कर सकते हैं। मिट्टी हटाते समय ध्यान रखें कि अगर रूट टूट जाती हैं आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जो भी हमारे ट्यूबर हैं बस आपको उन्हें मिट्टी से अलग कर देना है, जितना अधिक मिट्टी उसमें से हो सके आपको अलग करना है। मिट्टी लगभग जब ट्यूबर से अलग हो जाए देन जो भी ट्यूबर है उन्हें आपको पानी से काफ़ी अच्छी तरह से धोना है ताकि जितने भी मिट्टी बची हुई है ट्यूबर में निकल जाए और जितनी भी उसमें गंदगी है या फिर जितनी भी धूल मिट्टी है ये उसमें से हट जाए। ऐसा करने से जो भी हमारे ट्यूबर होंगे बाद में इनमें फंगस की प्रॉब्लम या फिर कोई भी इनमें इन्फेक्शन ना हो सके। ट्यूबर को आपको काफ़ी अच्छे तरह से धोना है और जो भी मिट्टी है आपको हटा देना है। ये प्रोसेस आपको 3 से 4 बार करना है ताकि जो भी ट्यूबर हैं इनमें से मिट्टी पूरी तरह से हट जाए। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जितने भी उसमें सूट है या फिर रूट है सबको आपको काट देना है या फिर आप उसे रहने दे सकते हैं और उसके ऊपर ही छोड़ सकते हैं ताकि वे खुद से ड्राई होकर अलग हो जाए। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जो भी रूट है या फिर सूट है ये मैं ही खुद उन्हें काट दूँ। रूट और इसके पत्ते बाद में ड्राई होने के बाद ये अपने आप अलग हो जाते हैं, तो अगर आप पहले ही इन्हें काट देते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपको इन्हें सेव करने में, बाद में आपको कोई उसमें गंदगी या फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूट और उसके पत्ते अगर आप नहीं काटते हैं तो आप अपने जो भी ट्यूबर हैं उन्हें शेडी एरिया में 4 से 5 दिनों के लिए अपने आप ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं। इतने दिनों में जो भी रूट है और उसके पत्ते हैं ये अपने आप ड्राई होकर सूख जाएंगे।
तब जाकर आप उन्हें सेव कर सकते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें 2 दिन के लिए अलग किया था। बड़ी बड़ी रूट्स मैंने काट दी थी और जो भी छोटी रूट्स हैं ये अपने आप ख़त्म हो गई हैं। जो भी हमारा ट्यूबर है ये अब सेव करने के लिए काफ़ी रेडी हो चुका है। गाइज, जो भी हमारे ट्यूबर हैं उनमें से हम कई सारे ट्यूबर अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप इस टाइम पर भी कर सकते हैं और जो भी आप नेक्स्ट सीजन पे इसे लगाएंगे उस टाइम पर भी कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम पर करना चाहते हैं तो जो भी आपको ट्यूबर बड़ा दिखे जिसमें उभार हो, ऊपर की तरफ से लगता हो कि बाद में इसमें से शूटिंग स्टार्ट हो जाए, उसे बस आपको कट कर लेना है या फिर तोड़ लेना है। इतना साइज रखें कि जो भी हमारा ट्यूबर है ये आगे चलकर काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर सके। मल्टीप्लाई करना इन्हें काफ़ी आसान है, बस आपको तोड़ लेना है और उसमें फंगिसाइड लगाकर बस उन्हें स्टोर कर लेना है। ट्यूबर या फिर बल्ब अगर हम सेव करते हैं तो अगर उनमें कोई भी फंगस लग जाती है देन उन्हें बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में पहले से इन्हें प्रोटेक्ट करना हमें काफ़ी ज़रूरी होता है। हल्दी के अंदर ढेर सारी एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज़ हम अपने ट्यूबर को सेव करने में कर सकते हैं। ट्यूबर अगर आपके ड्राई हो गए हैं उनमें थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और हल्दी लेकर आप उनके ऊपर लगा दीजिए। जो भी कट पोर्शन है या फिर जितने भी आपके ट्यूबर हैं उनके ऊपर आपको हल्दी काफ़ी अच्छे से लगानी है। हल्दी लगा देने से जो भी फंगल डिजीज होते हैं या फिर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इनमें नहीं लगते हैं। गाइज, हल्दी आपको लेनी है जो भी घर में यूज होती है उसका पाउडर आप ले लें। जो भी सब्जियों में डाली जाती है उस हल्दी का आपको यूज करना है। हल्दी की जगह पे आप दालचीनी जिसे सिनेमन स्टिक पाउडर बोलते हैं उसका भी यूज आप कर सकते हैं। जिनके पास फंगिसाइड है वे फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने हल्दी के पाउडर को उसके ऊपर लगाया है वैसे ही ट्यूबर को हल्का गीला करना है और उसके ऊपर फंगिसाइड का पाउडर हल्का हल्का करके उन्हें उनके ऊपर लगा देना है। फंगिसाइड का यूज करने से जो भी हमारे ट्यूबर होते हैं या फिर जो भी जिस कारण के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं उसमें हमें लगभग पूरी तरह से हमें रिजल्ट मिलता है। मैं यहाँ पे साफ फंगिसाइड का यूज कर रहा हूँ। आपके पास जो फंगिसाइड है आप उसका यूज कर सकते हैं। अधिक आपको यूज नहीं करना है, थोड़ा सा लेना है और बस उनके ऊपर एक हल्की सी लेयर बन जाए बस आपको उतना ही डालना है। फंगिसाइड या फिर जो भी हल्दी का पाउडर है इन्हें लगाने के बाद ट्यूबर को शेडी एरिया में ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। सो गाइज, आपके सामने है जो भी ट्यूबर में हमने फंगिसाइड और हल्दी लगाई थी, एक दिन बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं। पाउडर इनके ऊपर काफ़ी अच्छे से सेट कर गया है। अब हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। इन्हें स्टोर करने का 2 तरीका होता है। एक तो आप इन्हें जो भी पेपर की स्ट्रिप होती है या फिर पेपर की कतरन होती है बॉक्सेस में डालकर आप उन्हें पैक करके रख सकते हैं। ये काफ़ी सूटेबल तरीका होता है, इसमें कोई भी अलग से खतरा नहीं होता है। और दूसरा तरीका होता है कि आप जो भी हमारे ट्यूबर है या फिर बल्ब हैं इन्हें साफ रिवर सैंड में स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन रिवर सैंड में स्टोर करने से अगर रिवर में मॉइस्चर आ जाती है तो जो ट्यूबर है आपका ये गल सकता है या फिर इसमें फंगस फिर से लग सकती है या फिर जो भी आपके ट्यूबर हैं ये समय आने से पहले ही ग्रो हो सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि जिस तरीके से आप स्टोर करना चाहें आप कर सकते हैं। बालू वाले मेथड में अगर आप उसकी केयर अच्छे से करते हैं देन काफ़ी सूटेबल मेथड होता है ये भी। सो गाइज, मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। पेपर की मैंने कतरन ले ली है ढेर सारी और एक मेरे पास ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है। इसके अंदर मैं अपने ट्यूबर को रख दे रहा हूँ और ऊपर से फिर से पेपर की कतरन उसमें डाल दे रहा हूँ और फाइनली जो बॉक्स है हम इसे पैक करके रख देंगे। नेक्स्ट सीजन आने पर हम अपने ट्यूबर को फिर से ग्रो कर सकते हैं। पेपर वाला मेथड काफ़ी सिंपल होता है और काफ़ी इफेक्टिव भी होता है। बालू वाले मेथड में प्रॉब्लम आ सकती है। सो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड अपनाते हैं। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन गाइज, बी मोटिवेटेड, कीप मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विथ फ्लोरा नर्चर।